गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात जीन म्यूटेशन के टाइप्स पढ़े थे। आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं जी म्यूटेशन की। विशेषता तो नंबर फर्स्ट विशेषता है डा जी म्यूटेशन वायरस से लेकर मानव तक जीन म्यूटेशन वायरस से लेकर मानव तक सभी जीवों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा डर? वायरस से लेकर मानव सहित सभी जीवों में क्या पाया जाता है? जीन म्यूटेशन पाया जाता है। अभी वर्तमान समय में आपके सामने जो वायरस आ रहा है वह कौन सा? कोरोना वायरस। साइंटिस्ट इसकी पड़ताल कर रहे हैं और निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि जो जुकाम वाला राइनो वायरस है, उस राइनो वायरस के म्यूटेशन के कारण ही इसका विकास हुआ था, कोरोना वायरस का विकास हुआ। तो यहां कहने का मतलब क्या है बेटा कि जीन म्यूटेशन वायरस से लेकर मानव तक सभी जीवों में क्या पड़ता है? जीन म्यूटेशन पाया। दूसरी विशेषता, जीन म्यूटेशन पूर्णतः क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो गए। इसका मतलब क्या होगा? ये कोई निश्चित नहीं है कब म्यूटेशन होगा। जीन म्यूटेशन अनिश्चित होते हैं। कब होते हैं, कैसे हो जाए, वो कोई निश्चित नहीं। नंबर थ्री, जीन म्यूटेशन का कोई पूर्वानुमान नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जीन म्यूटेशन का कोई पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। नंबर फोर विशेषता, जीन म्यूटेशन में कोई जीन कितनी भी बार उत्परिवर्तित हो सकता है। क्या कहा? कोई भी जीन कितनी भी बार उत्परिवर्तित हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कई बार उत्परिवर्तित जीन पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौट सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया, ये कोई जीन था ना, और उस पर ये ए जी सी टी जी सी ए नाइट्रोजन बेस। अब इसमें उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ये पहुंच गया ए जी सी टी टी सी
ए, जी के स्थान पर क्या चेंज हो गया बेटा ई। अब ये कॉम्प्लीमेंट तीन में सब हो गया, फिर इसमें ओ इंक्लूडेड हो गया और ये कंडीशन ए बी सी टी टी सी के साथ मान लो जी ए आ गया, फिर इसमें ओ इंक्लूडेड हो गया और इस प्रकार उत्परिवर्तन, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कई बार जीन में उत्परिवर्तन हो सकता है, एक बार उत्परिवर्तन हो गया फिर उसमें दोबारा उत्परिवर्तन हो गया फिर उसमें और दोबारा उत्परिवर्तन हो गया, इस प्रकार उत्परिवर्तन। और इस उत्परिवर्तन के कारण कोई जीन पुनः अपनी कौन सी अवस्था बना, वाइल्ड स्टाइल, यानी कि जब प्रारंभिक अवस्था में जो जीन बना था उस अवस्था में लौट सकता है। जैसे अपन ने क्या कहा था आपको, उद्विकास वाला जो रिलेशन बनाया था तब आपके पास समकाल समवर्ती अंग आए थे, वहां अपने पास एक और बात आई थी, संति में अपने पूर्वजों के क्या नाम लक्षण आना, जैसे वर्तमान में अपने मानव के दांत साइड में छोटे होते हैं लेकिन अपने जो पूर्वज थे पूर्वकालीन उनके दांत साइड में क्या थे बने बेटा थे बड़े, और वर्तमान में भी कुछ ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनके दांत क्या है साइज में बड़े होते हैं, जो अपने किसके लक्षण दर्शा रहे हैं पूर्वजों के लक्षण दर्शाते हैं, जिसे अपने पूर्वजता कहा था, ये पूर्वजता किसके कारण उत्पन्न हुई, दांत साइज में क्या थे बड़े थे। अब दांतों की साइज का निर्धारण करने वाले जीन में क्या होता गया बड़ा उत्परिवर्तन होता गया, और उत्परिवर्तन के कारण वो जीन उस जीन के कारण दांत की साइज में क्या होते गए पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे होते। अब ये उत्परिवर्तन उस दांत का निर्माण करने वाले जीन में उत्परिवर्तन होता गया और एक समय ऐसा आया कि वो उत्परिवर्तित जीन वापिस कौन सी समूह पे पहुंच गया, वाइल्ड टाइप पूर्व में वो समूह था लड़कों में समूह था उसमें पहुंच गया, इसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाते थे किसके लक्षण आ जाते हैं पूर्वजता के लक्षण। या वही बात कुछ लोगों में एनएस के ऊपर वाले भाग में पूंछ के सामान क्या उत्पन्न हो जाते हैं बाल उत्पन्न हो जाते हैं वो किसका बेटा। अब अपन ने कहा कि कोई भी जीन है वो कितनी भी बार उत्परिवर्तित हो सकता है, उत्परिवर्तन के कारण कई बार वो जीन अपनी सामान्य अवस्था में क्या हो सकता है बेटा सामान्य अवस्था में तभी हो सकता है जब उस जीन में जो म्यूटेशन हो रहे हैं वो एक निश्चित दिशा में बढ़ते हैं, यदि जीन में म्यूटेशन एक निश्चित दिशा में बढ़ जाते हैं तो उसके कारण वो कौन सी अवस्था में लौट सकता है बेटा अपनी सामान्य अवस्था में लौट सकता है। छठा वर्तमान समय में पाए जाने वाले अधिकांश जीन उत्परिवर्तित जीव सॉरी जीव क्या कहेंगे वर्तमान समय में जीवों में पाए जाने वाले जो जीन है वो कौन से जीन बेटा उत्परिवर्तित जीव। वर्तमान समय में जीवों में पाए जाने वाले अधिकांश जीन कौन से हैं उत्परिवर्तित जीन है, इसका मतलब सारे जीव किसके कारण उत्पन्न हुए हैं उत्परिवर्तन के कारण, इसीलिए सभी जीव अपने पूर्वजों से पूर्णतः क्या था भिन्न। जैसे अपन कहते हैं अपने पूर्वज कौन है बेटा बंदर, अब अपने शरीर में जो जीन पाते हैं वो बंदर के जो जीन थे उससे क्या है उत्परिवर्तित जीन है और उसी के कारण अपना स्वरूप अपना लक्षण प्रारूप बंदर से क्या है भिन्न। या वर्तमान के जो मानव है और उनके पूर्वज की अपन क्या करें तुलना करें तो तुलना में भी क्या पाए थे बहुत अधिक भिन्नता पाए थे कि
क्योंकि वर्तमान में जो जीव है या वर्तमान समय में जीवों में पाए जाने वाले अधिकांश जीव क्या है का कुछ परिवर्तन सारी विशेषता अधिकांश उत्परिवर्तित जीन क्या होते होगा अप्रभावी होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तित जीन कैसे होते हैं अप्रभावी होते हैं जिसके कारण उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो लक्षण प्रारंभ है उसको किसके द्वारा प्रभावी जीन के द्वारा क्या किया जाता बवाल करता है जिसके कारण अप्रभावी जीन के वो लक्षण या स्वरूप या लक्षण प्रारूप क्या नहीं होता है प्रकट है क्या कह रहे हैं अधिकांश उत्परिवर्तित जीन उत्परिवर्तित जीन जिसमें उत्परिवर्तन हो चुका है वो उत्परिवर्तित जीन क्या होता है अप्रभावी होता है क्योंकि उस अप्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण प्रारूप को किसके द्वारा प्रभावी जीन के द्वारा क्या कहता था दबा जाता है जिसके कारण वो स्वरूप क्या नहीं होता है जैसे इसी तरह से एनीमिया का लोग या वर्णांधता का लोग या हीमोफीलिया का लोग अधिकांश में ये उत्परिवर्तित जीन पाया है लेकिन वो क्या नहीं होता है प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण क्या नहीं होता प्रकट है अधिकांश लोगों में हीमोफीलिया रोग को उत्पन्न करने वाला जीन पाया है लेकिन वो प्रभावी होता है तो उस कोशिका लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं कर पाती है क्योंकि कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है और उसमें किसी प्रकार का चयन होता है तो सामान्य कंडीशन में वो कोशिका क्या नहीं कर पाती बड़ा जीवित नहीं रह पाती जिसके कारण प्रभावी उत्परिवर्तित जीव लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं करता। नंबर दो विशेषता अधिकांश उत्परिवर्तित जीव या जीव म्यूटेशन जीवों के लिए क्या होते होगा हानिकारक होते अधिकांश उत्परिवर्तित जीव या जो जीन म्यूटेशन है वो जीवों के लिए क्या होता है हानिकारक होता है जैसे सिकल सेल एनीमिया जीवों के लिए क्या होगा हानिकारक बस ये तो ये ठीक है कि किसके कारण उत्पन्न हो रहा है अप्रभावी जीन के कारण जो प्रभावी जीन के ऊपर क्या करता है बेटा दबा देता है जिसके कारण उसको लक्षण प्रकट है नहीं होता है अन्यथा वो अपने लिए क्या है हानिकारक तो अधिकांश जीन म्यूटेशन जीवों के लिए क्या होते हैं हानिकारक होते हैं ये विशेषता होते हैं जीव म्यूटेशन की क्या होती है विशेषता अगला पॉइंट बनता है म्यूटेशन या हिंदी में है उत्परिवर्तन जन वे कारक जो जीन म्यूटेशन को या म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं उन्हें से निकलने वाली एक्सरे
गामा रे इस प्रकार की ग्राफ क्या है, इसका कार्य क्या है, न्यूट्रिशन का कार्य। तीसरा टेंपरेचर, तापमान को परिवर्तित करके या तापमान की में कमी या वृद्धि होना भी इसका कारण बनता है, न्यूट्रिशन का कारण बनता है। तापमान में परिवर्तन भी क्या है, न्यूट्रिशन। चौथा रासायनिक न्यूट्रिशन, जैसे बता मस्टर्ड गैस कोमा एक्टिनोमाइसिन डी गैस जो आपके मेंटे में चलती है, ये भी किसका कार्य करती है, न्यूट्रिशन का कार्य। अब यदि इन उत्परिवर्तन दल या न्यूट्रिशन का उपयोग करके किसी जीव में न्यूट्रिशन को प्रेरित करता है तो ऐसे न्यूट्रिशन को अपन क्या कहते हैं, प्रेरित है न्यूट्रिशन है। अब यदि किसी जीव में किसी सहायता से उत्परिवर्तन दल या न्यूट्रिशन की सहायता से उस जीव में न्यूट्रिशन को क्या कहता है ना, प्रेरित करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड न्यूट्रिशन या प्रेरित न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रेरित न्यूट्रिशन करने का कार्य सबसे पहले किस नामक साइंटिस्ट ने बिड़ा, मुलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सरे व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग करके किसके अंदर ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में किसको प्रेरित किया था बिड़ा, न्यूट्रिशन को प्रेरित किया था, जिसके लिए मुलर को क्या मिला था बिड़ा, नोबेल प्राइज मिला। ये आपके पास एक न्यूट्रिशन का पार्ट बनेगा, कौन सा, जी न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन प्रकार का अपने न्यूट्रिशन के दो प्रकार पड़े थे बेटा, एक जीन न्यूट्रिशन जिसमें जीन के गुणसूत्र की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल जीन के नाइट्रोजन बेस क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, और वो भी रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटिवश जहां एंटीपैरेलल रूल का पालन नहीं होता है, तब ऐसे म्यूटेशन को अपने नाम क्या था, जीन म्यूटेशन। आज अपन दूसरे म्यूटेशन की बात करते हैं, दूसरा म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन के दो प्रकार बने थे, जीन म्यूटेशन जिसमें दोनों की संख्या और संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल जीन के नाइट्रोजन बेस का जाता है रिप्लेसमेंट होता है, तो ऐसे म्यूटेशन को अपने जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन क्रोमोसोम पर एक निश्चित बिंदु पर लगे रहते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इस प्रकार के म्यूटेशन का अपने दूसरा नाम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु परिवर्तन। अब दूसरा म्यूटेशन आ रहा है बेटा, कौन सा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आप सबको पता है प्रत्येक जीव में या प्रत्येक जाति के सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या व संरचना क्या होती है बेटा, निश्चित है। क्या कहा पहले, प्रत्येक जाति के प्रत्येक सदस्य में या हम कह सकते हैं एक जाति के सभी सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या सदैव क्या होती है, निश्चित होती है, और एक जाति के सभी सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या को निश्चित बनाए रखने का कार्य कौन सा विभाजन करता है, और एक जीव की प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या को निश्चित बनाए रखने का कार्य कौन सा विभाजन करता है, जूनियर क्लास का क्वेश्चन है, बता दो। तो अपन ने क्या कहा कि प्रत्येक जाति या एक जाति के सभी सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या व संरचना क्या होती है, निश्चित। अब किसी कारणवश यदि किसी जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की निश्चित संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या उस जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, संख्या में क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन या क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होने के कारण यदि किसी जीव में म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो ऐसे म्यूटेशन को अपन क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्रोमोसोम है म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम म्यूटेशन को पता जूनियर में आपके सिलेबस में कई सारे कि मैंने कुछ भी आपको डिटेल में बताया था, क्रोमोसोम म्यूटेशन को पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो जिसमें पहला पार्ट आ गया था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा था क्या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन का क्या है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन में क्रोमोसोम की संख्या तो क्या रहती है बेटा, वही पहले से जो निश्चित है वही बनी रहती है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में क्या रहता है, परिवर्तन आ जाता है। तो किसी जीव के क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण जो म्यूटेशन उत्पन्न होता है, इस प्रकार के क्रोमोसोम म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक बहुसूत्री उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यहां एक शब्द विपतन भी दे रखा है, तो संरचनात्मक बहुसूत्री विपतन या संरचनात्मक बहुसूत्री उत्परिवर्तन। अब जीवों में संरचनात्मक बहुसूत्री या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने कारण से उत्पन्न होता है, चार कारण। नंबर जिसमें पहला कहेगा डीएनए, दूसरा पार्ट आता है डुप्लीकेशन, तीसरा पार्ट आता है ट्रांसलोकेशन और चौथा पार्ट आता है इनवर्ट। अब डिलीशन पार्ट क्या आएगा, तो ये वो क्रोमोसोम है दोनों क्रोमेटिड हो गए और ये सेंट्रो नियर हो। अब डिलीशन पार्ट क्या है, जब किसी जीव के क्रोमोसोम का कोई भाग टूटकर गायब हो जाता है तो उसके कारण उस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन भी क्या हो जाएंगे बेटा, गायब हो जाएंगे। और जीन के कारण गायब हो जाने के कारण उस जीन के लक्षण प्रारूप भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, डिलेशन। डिलेशन का मतलब डिलीट होना, डिलीट होने का मतलब है गायब। तो डिलेशन का क्या है, किसी क्रोमोसोम के किसी भाग का क्या हो जाना, गायब हो जाना। जो भाग गायब होगा उस भाग पर उपस्थित जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण भी क्या हो जाएंगे, गायब। इस घटना को क्या कहते हैं, डिलीशन। और उसी के कारण के विकास ये बना कर बता चुके हैं, कौन सा बना, क्राइडू चैट। मानव के पांचवे गुणसूत्र की एक भुजा गायब होने के कारण जो सिंड्रोम या रोग उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्राइडू। अब क्राइडू चैट है क्या, तो इस विकार में बच्चा जब रोता है तो उसके रोने की आवाज बिल्ली के चिल्लाने जैसी होती है, जिसके कारण से फॉरेन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्राइडू चैट। अब यदि डिलीशन के दौरान समझा गुणसूत्र में से एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम था बेटा और ये इसका समझा गुणसूत्र हो गया, अब यदि समझा गुणसूत्र में से एक क्रोमोसोम की कोई भुजा वहां पर गायब होती है लेकिन उस समझा गुणसूत्र के दूसरे क्रोमोसोम की भुजा गायब नहीं होती, तो दूसरे क्रोमोसोम पर जो जीन है उस पर वो लक्षण क्या करेगा बेटा, ये उस पर प्रभावी से रूप है, तब तो प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाएगा। और यदि अप्रभावी जीन है तो उसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, अप्रभावी सब उत्पन्न हो जाएगा। मान लो कि ये दो क्रोमोसोम से संबंधित क्रोमोसोम और इतने भाग पर लंबाई को नियंत्रित करने वाले जी एक। अब इस संदर्भ सूत्र में से एक क्रोमोसोम की भुजा गायब हो गई तो उस पीढ़ी में प्रभावी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर रह गया, उसके कारण क्या
का कंसोल ऊपर हो जाएगा बेटा, लंबा का ऊपर हो जाएगा। और ये भी मान लो कि यहां कौन सा घटा ए प्रभावी स्वरूप वाला जीन था, तो संधि में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, ए प्रभावी स्वरूप घटा दोनों का ऊपर हो जाएगा। लेकिन यदि संदर्भ सूत्र के दोनों ही क्रोमोसोम की भुजा क्या हो जाए, गायब हो जाए, तब उस कंडीशन में घातक लक्षण उत्पन्न कर देंगे जो मानव के लिए क्या कर रहा हानिकारक। जैसे गायब है पांचवें क्रोमोसोम की भुजा के गायब होने से लगता है, जिसमें दोनों क्रोमोसोम की भुजा क्या हो जाती है, संदर्भ क्रोमोसोम की भुजा क्या हो जाती है। दूसरा पार्ट आ रहा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन पार्ट क्या है, कोई क्रोमोसोम है क्या, उस क्रोमोसोम के एक भाग की क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, तो उसके कारण उस क्रोमोसोम की संरचना ही चेंज हो जाती है। संरचना चेंज होने के साथ साथ उसका जीन प्रारूप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जीन प्रारूप चेंज होने के कारण लक्षण प्रारूप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो कि ये क्रोमोसोम था बड़ा और इस पर ए बी सी डी ई एफ जी जीन थी, अब इतने भाग की क्या होगी, कॉपी होगी, तो ये भाग तो उसके साथ मिलेगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, ए बी सी डी ई एफ और फिर इसके पता इतने भाग की कॉपी होगी, डी ई एफ जी, ये इतने दिन दुबारी हो गए, तो इतने भाग की क्या होगी, कॉपी होगी, तो उसके कारण उस क्रोमोसोम की संरचना में क्या होगी बेटा, परिवर्तन आ गया। संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो म्यूटेशन होता है उस म्यूटेशन को अपन समझ करते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम म्यूटेशन, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। तीसरा पार्ट क्या रहेगा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पार्ट क्या रहेगा, ये कोई क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये कोई दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये आपस में क्या नहीं है, होमोलोगस नहीं है बल्कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम का कोई एक भाग यहां से टूटा और टूटकर यहां जुड़ गया, या इसका एक भाग यहां से टूटा और दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, जिसके फलस्वरूप भी उस संतति का जीन प्रारूप क्या हो गया बेटा, चेंज हो गए, और जीन प्रारूप चेंज होते ही उसके लक्षण प्रारूप को भी क्या जाएगा, अंतर क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। चौथा पार्ट बेटा क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन को अपन क्या कहते हैं, प्रतिलोमन का क्या है, ये कोई क्रोमोसोम है, इसका कोई भाग दो भागों में से, दो भागों से क्या होगा, मानो उसमें जीन के बड़ा ए बी सी डी ई एफ जी जी, अब ये क्रोमोसोम इन दो भागों से टूट जाएगा और टूटकर प्रतिलोमित हो जाएगा, प्रतिलोमित होने का मतलब 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, 180 डिग्री कोण पर घूम के वापस जुड़ जाता है, तो इस घटना को अपन क्या कहते थे, इन्वर्जन। लेकिन उसके कारण उस संधि में बनने वाले गैमेट्स का जीन प्रारूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है क्रोमोसोम ओवर के कारण या सहलग्नता के कारण, तो लक्षण प्रारूप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कंडीशन क्या है, ए बी लगा दो, ई बी सी एफ जी, तो कौन सी घटना होगी बेटा, प्रतिलोम काट गया क्रोमोसोम के किसी भाग पर कितने डिग्री कोण पर, टूटकर 180 डिग्री
कौन पर घूमकर वापस उनका क्या करता है, प्रतिरोपण और प्रतिरोपण के कारण उस लोगों को जींस भी चेंज हो जाएंगे या जिनका जिन पैटर्न पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिन पैटर्न चेंज होने के पश्चात रूपक निर्माण के समय मियोसिस जब होगा तो उसी ओवर या सहलग्नता के कारण संयुक्ति में जीन प्रारूप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और जीन प्रारूप चेंज होने के कारण लक्षण प्रारूप भी क्या हो जाता है। इन्वर्जन को पूरा दो भागों में डिवाइड करता है, एक है बड़ा पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा है बड़ा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन का क्या है, जो भाग प्रतिलोमित होता है उस प्रतिलोमित भाग में भी सेंट्रोम ले पाता है तब तो उसे कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। अब जैसे यहां से ये कटा है तो सेंट्रोमियर वाला भाग प्रतिलोमित हो रहा है तो इसे अपन क्या कहेंगे पेरिसेंट्रिक। और दूसरा क्या है, जिस भाग में प्रतिलोमित हो रहा है मान लो यहां से यहां तक हो रहा है और उस भाग में भी सेंट्रोमियर नहीं पाता है तो इस प्रकार के इन्वर्जन क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। पहले क्या पैरासेंट्रिक है इन्वर्जन है, ये आपके पास चार कारण आ गए था जिसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले ड्यूटेस। दूसरा कौन सा बेटा, नमृता क्रोमोसोमल ड्यूटेस संचार के दूसरे उत्पीड़न। संचार के दूसरे उत्पीड़न का मतलब क्या है, अधिकांश लोगों में किस अवस्था में होगा टू एन। अब टू एन अवस्था में जो गुणसूत्र है उस संख्या के रूप में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि होने के कारण जो म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब नंबरिकल क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है उसको पुनः कितने पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में, नंबर एक पॉलीप्लॉइडी और दूसरा क्या एन बहुगुणिता और है दूसरा का ऐसा है। अब बहुगुणिता का क्या है, तब टू एंड से पहले आपके पास एक शब्द आता है जीनोम और जीनोम का क्या है, किसी जीव के एकवित गुणसूत्रों के समुच्चय या सेट को क्या कहते हैं जीनोम है, जिसका सिद्धांत है किसी जीव में जितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन क्रोमोसोम के सेट को क्या कहते हैं जीनोम। अब बहुगुणिता का क्या है, किसी जीव के द्विगुणित क्रोमोसोम के सेट में क्या हो जाए बेटा वृद्धि हो जाए या पूरे एकवित क्रोमोसोम के सेट में ही क्या हो जाए वृद्धि हो जाए और उसके फलस्वरूप उस जीव की कोशिका में या उस जीव में क्रियाएं या फिर एंड अवस्था उत्पन्न हो जाए, तब इस प्रकार की घटना को अपन क्या कहते हैं बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी है। अब बहुगुणिता को पुनः दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सौ बहुगुणिता और दूसरा का पर बहु। सौ बहुगुणिता का क्या है, यदि किसी जीव में अपने ही सेट के क्रोमोसोम में क्या हो जाए बेटा वृद्धि हो जाए तो इसे क्या कहते हैं सौ बहुगुणिता। और सौ बहुगुणिता को प्रेरित किया जा सकता है इसकी सहायता से कोजिसी ने एल्केलॉइड से कौन सी चीज एल्केलॉइड कौन से था दूसरे पर कोल्चिकम
ऑटम के मानव की जड़ों से प्राप्त होने वाला या तो कौन सी फैमिली में आया था, कौन से कुल का सदस्य। अब क्या करता है ये एक कोशिका विभाजन की जो संसूत्री विभाजन की प्रोफेज मेटाफेज मेटाफेज अवस्था में बनने वाले तंतु क्या कर देता है तोड़ देता है तो उसके कारण क्रोमोसोम या पृथ्वी पुष्पों का या क्रोमेटिन का पृथक्करण या विसर्जन नहीं होता है और पृथक्करण या विसर्जन नहीं होने के कारण उस कोशिका के अंदर द्विगुणिता के स्थान पर 3N या 4N अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो किसका उदाहरण बन गया था सार्वभौमिकता का उदाहरण बन गया। क्योंकि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में बनने वाले तंतु सेंट्रोमियर को अपघटित करके दोनों पुत्री क्रोमोसोम को या क्रोमेटिन को कहां बड़ा विपरीत ध्रुवों पर स्थानांतरित करते हैं और विपरीत ध्रुवों पर स्थानांतरित करने के बाद एनाफेज टेलोफेज अवस्था के माध्यम से दो केंद्र बनते हैं दो कोशिका बनती है तो इस प्रकार उस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। याद आ रहा है और यदि वहां एनाफेज में वो मेटाफेज अवस्था पूरी नहीं हो तो उसके कारण क्या होगा बेटा गुणसूत्रों के सेट में उस कोशिका के अंदर वृद्धि हो जाती है जो किसका उदाहरण बन गया अपने ही क्रोमोसोम के सेट में क्या हो गई वृद्धि हो गई तो उसे क्या कहते हैं सार्वभौमिक। दूसरी तरफ आपके पास आया आपका बहुभुणिता बहुभुणिता का क्या है दो भिन्न प्रकार के क्रोमोसोम के सेट का पैदा किसका है बेटा उदाहरण वगैरह क्या कहता है पर बहुभुणिता दो भिन्न जातियों के ट्वेल्व क्रोमोसोम के सेट का पैदाना क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है जो जीवों में किसके कारण उत्पन्न होता है संक्रमण के कारण होता है जैसे ये किताब में देते हैं ब्रेसिका ओलिवेसिया गोभी का वर्टिकल नाम जिसमें क्यों एन अवस्था में क्रोमोसोम कितने पाए थे बेटा 18 दूसरा बेटा रेफिनस सेटाइवा मूलिका वर्टिकल जिसमें भी क्यों एन अवस्था में कितने क्रोमोसोम पाए थे। अब प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा यदि किसी ने संकरण कहा जाए तो संकरण के परिणाम जो बाद में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बाद रेफिनो ब्रेसिका जिसकी प्रत्येक कोशिका में टू एन अवस्था बराबर कितने क्रोमोसोम होते हैं 36 जबकि वास्तविक रूप से क्या होता है टू एन किसके गोभी के और टू एन किसके मूली के तो अवस्था कौन सी होगी 4N अवस्था। अब इस रेफिनोब्रेसिका प्लांट के अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट पाए जाते हैं 4 सेट पाए जाते हैं जिनमें से दो सेट गोभी के दो सेट किसके बड़ा मूली के तो दो भिन्न जातियों के दो भिन्न जातियों के क्रोमोसोम के सेट का पाया जाना क्या कहलाता है पर बहुभुणिता जो किसके कारण दो उत्पन्न होते बड़ा संकरण द्वारा। फिर दूसरा प्रकार बनता है बड़ा क्रोमोसोम असहगुणिता का अर्थ क्या है अर्धसूत्री विभाजन के समय ऐसा मान्यता या त्रुटि उत्पन्न होने के कारण या गुणसूत्रों का विसर्जन सही नहीं होने के कारण जब जीवों में 2N अवस्था में से एक या दो क्रोमोसोम की क्या हो जाएगा कमी या 2N अवस्था में से एक या दो क्रोमोसोम की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है तब इसे क्या कहते हैं असहगुणिता। 2N अवस्था में से एक या दो क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो रही है तब असहगुणिता और 2N अवस्था में पूरे सेट में क्या हो रही है वृद्धि जिसके फलस्वरूप 3N या 4N बन रही है तब वो क्या था बहुभुणिता सॉरी बहुभुणिता असहगुणिता के रूप में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था नंबर फर्स्ट
असहगुणता, नंबर टू अधिक सहगुणता। अधो सहगुणता का क्या है? अधो अधो का मतलब नीचे, नीचे मतलब कम होना। जब टू एन अवस्था में से एक या दो क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तब इसे अधोसहगुणता, और जब टू एन अवस्था में वन या टू क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अधिसहगुणता कहते हैं। अब तक हम सहगुणता को कितने दो भागों में विभाजित करते हैं? एक न्यूनसूत्रता, दूसरा का द्विन्यूनसूत्रता। एक न्यूनसूत्रता का क्या होता है? टू एन अवस्था में से एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाता है तो एक न्यूनसूत्रता, यदि टू एन में से दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? द्विन्यूनसूत्रता। और दूसरी तरफ अधिसहगुणता को पूरा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एकाधिसूत्रता और दूसरा वाला द्विअधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता का क्या हो गया? यदि टू एन अवस्था में क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम जुड़ जाता है तो क्या होता है? एकाधिसूत्रता। जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, किसके उदाहरण था? एकाधिसूत्रता। द्विअधिसूत्रता का क्या था? दो क्रोमोसोम की संख्या में, टू एन अवस्था में दो क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो क्या कहलाता है? द्विअधिसूत्रता कहलाती है। थैंक्स। इस प्रकार आपके पास म्यूटेशन के दोनों प्रकार आ गए, कौन से जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन।